सीएनबीसी आवाज इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय आरआर काबेल वायर नहीं भारत की नब्ज है हम मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स नमस्कार इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपनू हार्दिक स्वागत छे वेल मेरी ये स्वागत लाइन सुनकर आप समझ गए होंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात में लेकिन गुजरात के किस शहर में तो हम आपको बता दें कि आज हम मौजूद हैं गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाले शहर में तो दूसरी तरफ ये यहाँ का हैविली इंडस्ट्रियलाइज शहर भी है प्रगतिशील शहर है बहुत खूबसूरत सा शहर है जी हाँ आज हम मौजूद हैं गुजरात के शहर वडोदरा में और जायजा लेंगे यहाँ के रियल स्टेट मार्केट का चारों दिशाओं में जाएंगे देखेंगे कौन कौन से इलाकों में जोरदार रियल स्टेट डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पर आपके लिए किस तरह के हाउसिंग या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद है तो करते हैं आज के सफर की शुरुआत सबसे पहले एक नजर डालेंगे वडोदरा शहर पर गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर वडोदरा वडोदरा के पास अपनी एक ऐतिहासिक विरासत है जो इसे गुजरात के दूसरे शहरों से अलग बनाती है गायकवाड़ राजवंश की राजधानी रहे वडोदरा को सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने शासनकाल में काफी आगे बढ़ाया जिसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और दूसरे जनहित के काम शामिल थे सर सयाजीराव गायकवाड़ के पास बहुत ही अच्छा विजन था उनके जमाने से उन्होंने जो वडोदरा के लिए प्लानिंग किया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के आज के जमाने के दौर में जो है वो विजन उनके पास 100 साल पहले था और उन्होंने यहाँ एक तालाब आजवा लेक बनाया है वहीं से आज भी वहीं से पानी आ रहा है उस टाइम पे उन्होंने 2 लाख पर पब्लिक के लिए किया था आज 18 लाख के ऊपर पब्लिक है फिर भी पानी वहीं से आता है और परफेक्ट है आज भी वडोदरा के हर कोने में सयाजीराव गायकवाड़ की छाप देखने को मिलती है यहाँ पर एक तरफ स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं, तो ये गुजरात का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर है जिसका श्रेय जाता है यहाँ की सयाजीराव यूनिवर्सिटी को जहाँ देश के हर राज्य से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं इसके अलावा भी यहाँ पर अच्छी एजुकेशन के लिए कई बड़े स्कूल और नामी कॉलेज मौजूद हैं महाराजा सयाजीराव के वक्त से जबकि पूरे देश में कहीं यूनिवर्सिटी कुछ कुछ जगह पे था तब से बड़ौदा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक यूनिवर्सिटी है उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्राइवेट कॉलेजेस हैं टेक्नोक्रेट्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा बड़ौदा में है इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाइएस्ट बड़ौदा में है पूरे गुजरात के कंपेरिजन में एक इंडस्ट्रियल शहर के तौर पर देखा जाने वाला वडोदरा गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी मशहूर है जहां संगीत से लेकर नाट्यकला और उत्तरायण से लेकर नवरात्रि तक के त्योहारों में भारी धूम रहती है लेकिन अब वडोदरा धीरे धीरे बदल भी रहा है जहां इसका एक मॉडर्न चेहरा उभर रहा है शहर में अब बड़े मॉल और मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं तो अब हर बड़ा ब्रांड भी वडोदरा में मौजूद है लोगों की लाइफस्टाइल भी बदल रही है और उनके रहन सहन का तरीका भी ज्यादातर लोग तो मॉल्स में शॉपिंग करते हैं रेस्टोरेंट भी अभी अच्छी चेन है उसमें जाते हैं क्लब्स वगैरह यहाँ खुली हुई है तो उनमें जाते हैं जिमनेशियम वगैरह अच्छे अच्छे जिमनेशियम आ गए स्पा वगैरह मतलब ये आ गया है उसमें भी लोग जाते हैं इस बीच शहर की शक्ल सूरत को बदलने का काम भी हो रहा है शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है तो आने वाले वक्त के लिए कई बड़ी योजनाएं शहर के यातायात को बदलने के लिए तैयार है बड़ौदा शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है मतलब कि यहाँ के जो रोड्स है यहाँ के फ्लाईओवर्स है यहाँ के जो ब्रिजेस है यहाँ की जो कनेक्टिविटी है यहाँ जो मोनोरेल और मेट्रो रेल का बातचीत चल रहा है ये सब इंटरनेशनल लेवल के स्तर के होंगे इन सब बातों के बीच वडोदरा एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी का रूप ले चुका है जहां पर शिक्षा और रोजगार के मौकों के चलते बड़ी तादाद में देश के हर हिस्से से लोग आ रहे हैं और यही कारण है कि यहां के रियल एस्टेट मार्केट का भविष्य भी काफी अच्छा दिख रहा है 1907 में वडोदरा के अंदर पहली फैक्ट्री लगी थी और उसके बाद से इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में इस शहर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा एक शताब्दी बाद आज यहाँ पर फार्मास्यूटिकल से लेकर तो बम्बार्डियर जैसी मेट्रो ट्रेन बनाने वाली कंपनियाँ तक मौजूद हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन इसके अलावा ये एक शिक्षा का भी बड़ा केंद्र है जो कि इसकी इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है तो आइए एक नज़र डालते हैं कि किस तरह से वडोदरा की इकोनॉमी चलती है और यहाँ के ग्रोथ इंजन कौन से हैं
जब बात इंडस्ट्री की हो तो वडोदरा पूरे गुजरात में अपनी एक अलग जगह और महत्व है। 1907 में एलेम्बिक फार्मा ने वडोदरा में पहली आधुनिक फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद से इस शहर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज यहाँ पर प्राइवेट के साथ साथ कई पब्लिक सेक्टर कंपनियां मौजूद हैं। इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आपको देखा जाएगा तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का बहुत यहाँ है। आप देखो सावली, हालोल और यहाँ आगे जाइए बॉम्बे हाईवे पे तो पौर है, बरनामा पौर, तो वहाँ इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल अरे वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आती है और ऑटोमोबाइल का हालोल में चल रहा है। और केमिकल का जो यहाँ था वो गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा दहेज की ओर डाइवर्ट कर दिया है। इन कंपनियों में केमिकल और फर्टिलाइजर, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स बनाने वाली कंपनियां बड़ी तादाद में हैं, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और सन फार्मा जैसी भारतीय कंपनियां हैं, तो दूसरी तरफ मेट्रो रेल बनाने वाली कनाडा की बम्बार्डियर और अल्स्ट्रॉम जैसी विदेशी कंपनियां भी यहां पर अपनी यूनिट्स लगा चुकी हैं। टोटो कंपनी जापान की आ गई, अल्स्ट्रॉम है, ये सब काफी बड़े बड़े नाम है जो यहाँ सेटअप हो गए। दूसरा क्या है कि यहाँ आईटी और आईटीईएस जो है उसका हब बनने का चांसेस है आईटीएस का। जाहिर है वडोदरा गुजरात के आईटी हब के तौर पर भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। जहां पर कुछ आईटी कंपनियों ने कदम रख दिया है तो कुछ आने के इंतजार में है। एडमिनिस्ट्रेशन भी वडोदरा में आईटी कंपनियों के लिए कई तरह की सहूलियतें मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। बड़ौदा का जो नया डेवलपमेंट प्लान सेंक्शन हुआ है उसमें एक पूरा एरिया आईटी डेवलपमेंट के लिए डेजिग्नेटेड किया गया है। इस एरिया में जो भी आईटी कंपनी आना चाहती है, आईटी डेवलपमेंट करना चाहती है, उन कंपनियों को स्पेशल इंसेंटिव दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस बार वाइब्रेंट गुजरात में आईटी को बढ़ावा देने वाले कई एमओयू साइन हुए हैं जिनका सीधा फायदा वडोदरा को मिलेगा। कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्होंने अपना डेवलपमेंट आईटी एरियाज में चालू कर दिया है और अगले सालों में जो एमओयू वाइब्रेंट गुजरात में हुए हैं और जिस तरह से फ्लो आ रहा है, बड़ौदा इज डेफिनेटली गोइंग टू बिकम आईटी हब। जाहिर सी बात है, जितनी इंडस्ट्री वडोदरा में पहले मौजूद है और जितनों के आने की तैयारी है उसका एहसास यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट को है और आने वाले वक्त में हाउसिंग के लिए बढ़ने वाली डिमांड के लिए इसकी तैयारी उसने शुरू कर दी है। ऐसे तो देश के हर शहर में रियल स्टेट मार्केट ने काफी प्रगति की है, खासतौर पर टीयर टू शहरों में भी हमने रियल स्टेट मार्केट को काफी बढ़ते हुए देखा है। लेकिन अगर बात करें वडोदरा की तो पिछले 6 से 7 सालों में यहाँ पर काफी तेजी आई है। अब शहर के चारों तरफ फैलाव में जिस तरह के नए इलाके उभर के आ रहे हैं, शहर की बाउंड्रीज बढ़ रही है और इन इलाकों में रियल स्टेट डेवलपमेंट ने जो रफ्तार पकड़ी है वो काफी बेहतरीन है। रिटर्न के मामले में भी इसे ठीक ठाक कहा जा सकता है। हालांकि अभी भी ये बहुत ही प्रोफेशनल मार्केट के तौर पर नहीं उभरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स NRI के तौर पर जरूर मौजूद रहते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं वडोदरा के प्रॉपर्टी मार्केट पर। वडोदरा में लंबे वक्त से लोग जमीन खरीद कर परंपरागत तरीके से घर बनाना ही पसंद करते हैं, लेकिन पिछले करीब एक दशक में यहाँ पर हाउसिंग के लिए लोगों का नजरिया बदला है। शहर चारों दिशाओं में फैल रहा है, लेकिन इसके साथ ही जमीन के भाव भी तेजी से बढ़े हैं। महंगी जमीन और बदलते लाइफस्टाइल के बीच अब वडोदरा में हाई राइज में रहने का चलन बढ़ रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होते हुए दिख जाएगा। हालांकि अब तक तो वडोदरा का रियल एस्टेट मार्केट कभी ज्यादा उथल पुथल का शिकार नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 5 सालों में बाजार काफी बदला है। वडोदरा को आज तक कभी इतना ऊपर भी नहीं गया और स्लो मतलब चलता रहता है, इसको कोई तकलीफ नहीं होती है। अभी पिछले 5 साल में काफी रियल एस्टेट में उभार आया है और बाहर से इन्वेस्टर्स भी इतने आ गए। जॉब पीपल जो बाहर से आते हैं वो बड़ौदा को परमानेंट स्टे करने के लिए ही मतलब फाइनली यहाँ घर बसा लेते हैं। अब तेजी से शहर का विस्तार हो रहा है और नए इलाके डेवलप हो रहे हैं। इसके लिए बाकायदा टाउन प्लानिंग में अलग अलग डेवलपमेंट जोन बांटे गए हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द नए इलाके बस रहे हैं। डेवलपमेंट प्लान बड़ौदा का जो अभी लास्ट ईयर सैंक्शन हुआ उसमें गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है। यहाँ नोड्स डला है, नॉर्थ में देखने जाए तो आईटी नोड है, ईस्ट में देखने जाए तो टेक्नोलॉजी नोड है, साउथ में देखने जाए तो मेडिकल एंड एजुकेशनल हब है। ये नोड डिक्लेयर किए हुए हैं।
इस वक्त वडोदरा में 2500 से लेकर 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट का औसत भाव चल रहा है और ज्यादातर खरीदार रहने के लिए ही घर खरीद रहे हैं। बिल्डरों का कहना है कि इन खरीदारों में ज्यादातर एंड यूजर ही हैं और यहां के मार्केट में ट्रेडरों की तादाद ना के बराबर है। यहां जो भी मार्केट है वो रियल यूजर्स मार्केट है, सो दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ बड़ौदा कि यहाँ लोग जो खरीदते हैं वो अपने खुद के उपयोग के लिए खरीदते हैं। मतलब कि एक बार जो चीज़ बिक गया, जो हाउस, जो टेनामेंट, जो फ्लैट्स एक बार बिक गया है, वो बिकने के लिए दोबारा मार्केट में आने का शक्यता नहीं है। इस वक्त वडोदरा में तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसे देखते हुए ओवर सप्लाई का खतरा भी लगता है, लेकिन डेवलपर्स का मानना है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन की रफ्तार ठीक है। देयर इज नो स्पेकुलेटेड मार्केट इन टू द बड़ौदा। आने वाले समय में भी डिमांड्स इतना ज़्यादा है, इतना आजू बाजू इंडस्ट्रीज आ रहा है बड़ौदा के, इतने नए लोग आ रहे हैं बड़ौदा में रहने के लिए, दे ऑल आर रिक्वायर्ड, इनको हाउसिंग चाहिए, इनको शेल्टर चाहिए। इस फैसिलिटी की वजह से बड़ौदा रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स बहुत स्पीड से हो रहा है। इन्हीं सब बातों के चलते वडोदरा के लोकल बिल्डर तो काफी एक्टिव हैं ही, लेकिन अब अहमदाबाद के साथ साथ देश के दूसरे शहरों के डेवलपर भी यहां पर अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो ये देखा आपने वडोदरा का प्रॉपर्टी मार्केट, और उत्तरायण के बाद वडोदरा में हालांकि टेम्परेचर थोड़ा राइज हुआ है, लेकिन ठंडी हवा यहाँ पर अभी भी चल रही है, जिसका असर मैं महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मैं भी दवाई ले लेता हूँ और तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद लेकर चलेंगे आपको वडोदरा की यात्रा पर, देखेंगे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर हो रहा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट। एनबीसी ने ये मैटर टेक अप किया, विद इन 24 आवर्स उन्होंने एसी रिप्लेस कर दिया है। पहरेदार ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जस्टिस पक्का मिल सकता है। एक ईमेल आपको क्या भेजा कि मेरा सारा सब प्रॉब्लम आप लोगों ने सुलझा दिया। पहरेदार की वजह से आज मुझे ब्रांड न्यू नया टीवी मिल रहा है। मैं पर्सनली थैंक कहना चाहूंगा सीएनबीसी आवाज का। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी पहरेदार। थैंक यू पहरेदार। हम पहुंचाएंगे आपकी हर शिकायतों तक, जो आपकी शिकायत को अनसुना करते रहे अब तक। बिनानी ब्रश बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स पहरेदार इन वक्त पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। सस्ते दाम दीजिए बढ़िया गाड़ी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आप चाहते हैं एक सस्ती टिकाऊ बाइक। क्या स्पीड, क्या पावर, सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रस्तुत करता है सर्वो वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट्स फ्रॉम इंडियन ऑयल एट सर्वो एट लाइफ। प्रायोजक है महिंद्रा मैक्सिमो। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है, और आज हम मौजूद हैं गुजरात के शहर वडोदरा में, जहां पर हम ले रहे हैं यहां के रियल एस्टेट मार्केट का जायजा। तो आइए वडोदरा के सफर की शुरुआत करते हैं। हम इसकी चारों दिशाओं में जाएंगे और देखेंगे किस तरह के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट यहां पर बन रहे हैं, खास तौर पर रेजिडेंशियल। और इसकी शुरुआत हम करेंगे यहां के पश्चिमी इलाके से, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर गोत्री, वासना और बाहेली जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती हुई आपको दिख जाएगी। तो आइए एक नजर डालते हैं इन इलाकों पर। वडोदरा के पश्चिमी हिस्से ने अभी तक सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखा है। यहाँ पर गोत्री, अतलादरा और वासना जैसे इलाकों में इस वक्त तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। ये इलाके शहर के बेहतरीन इलाकों में गिने जाते हैं, और यहाँ पर ज्यादातर बंगलो और रो हाउस प्रोजेक्ट ही देखने को मिलेंगे, जहाँ बाकी शहर के मुकाबले आपको भाव भी थोड़ा ज्यादा लग सकता है। एकदम पॉश लोकेलिटी जैसे कोई भी सिटी में होती है, तो वेस्ट साइड यहाँ का जो है, जैसे वासना, बाहेली, सेवासी, गोत्री, ये सब एरिया उसके लिए है, जो बड़े बंगले, बड़े फ्लैट्स, महंगे वाले वहाँ। खास तौर पर गोत्री में काफी ज्यादा डेवलपमेंट है, और यहाँ पर कई हाई राइज प्रोजेक्ट बन रहे हैं। यहाँ पर घर के साथ साथ आपको शॉपिंग और दूसरी सुविधाएं भी नजदीक में ही मिल जाएंगी, और यही कारण है कि यहाँ पर डिमांड भी अच्छी ही है। खास तौर पर 2 और 3 BHK फ्लैट्स की डिमांड यहाँ काफी ज्यादा है। 2 BHK 3 BHK इज द परफेक्ट सेलिंग, और स्टार्ट फ्रॉम 15 लाख टू 50 लाख, दिस इज अ टोटल क्राइटेरिया।
इसी तरह वासना और अतलादरा में भी काफी तेजी से घर बन रहे हैं और ये इलाके पहले से ज्यादा बेहतर होकर सामने आए हैं। अब बात करें रिटर्न की तो रिटर्न के लिहाज से भी वडोदरा के पश्चिमी इलाकों में काफी अच्छे मौके हैं। डेवलपरों का मानना है कि यहाँ पर तो कुछ प्रोजेक्ट में 4 से 5 साल में भाव दोगुने हो जाएंगे। मुझे तो लगता है 5 साल में एटलीस्ट दोगुना हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है, हम लोग भी काफी कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भी अभी और करो, ये करो, सजेशन क्रेडाई की ओर से भी हम लोग, एसोसिएशन की ओर से भी करते हैं, तो ये सब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ जाएगा तो मार्केट अप हो जाएगा। आने वाले दिनों में पश्चिमी वडोदरा में घरों की डिमांड में तेजी आने की उम्मीद है और यही कारण है कि यहाँ पर एंड यूजर के साथ साथ कुछ लॉन्ग टर्म निवेशक भी घर खरीद रहे हैं। तो ये हमने लिया जायजा वडोदरा के पश्चिमी इलाकों का और यहाँ पर हो रहे कंस्ट्रक्शंस का और अलग अलग साइट्स हमने देखी। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि यहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट आपके लिए उपलब्ध हैं और किस प्राइस रेंज में यहाँ पर आपको घर मिल सकता है। पश्चिमी वडोदरा में इस वक्त सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की काफी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। इस वक्त सेवासी में इस्कॉन बिल्डर बना रहा है अपना प्रोजेक्ट इस्कॉन हैबिटेट, जहाँ आपको इस वक्त 2900 रुपए का भाव मिल जाएगा। इसी तरह अटलादरा में बन रहा है साईरंग स्टेट का प्रोजेक्ट साईरंग हाइट्स, जहाँ आपको 2200 रुपए के भाव पर घर मिल सकता है। वहीं कलाली में बन रहा है पवन ग्रुप का प्रोजेक्ट वेसेंजा हाइब्रिड, जहाँ आपको 2650 रुपए के भाव पर घर मिल जाएगा। अगर आप गोत्री में घर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कल्प ग्रुप बना रहा है अपना प्रोजेक्ट निसर्ग, जहाँ पर इस वक्त 2300 रुपए का भाव है। गोत्री में ही आप देख सकते हैं श्रीजी एंटरप्राइजेस का प्रोजेक्ट आनंद गार्डन, जहाँ आपको 2100 रुपए के भाव पर अच्छे घर मिल जाएंगे। तो ये बात हुई वडोदरा के पश्चिमी इलाकों की और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रुक करेंगे ठीक विपरीत दिशा का, यानी वडोदरा के पूर्वी हिस्से का, और देखेंगे किस तरह के प्रोजेक्ट वहां पर बन रहे हैं और किस तरह के प्रॉपर्टी ऑप्शंस वहां आपके लिए मौजूद हैं। जो सपने हम देखते हैं, सस्ते दाम दीजिए बढ़िया गाड़ी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आप चाहते हैं एक सस्ती टिकाऊ बाइक, क्या स्पीड क्या पावर, सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रस्तुतकर्ता है सर्वो वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट्स फ्रॉम इंडियन ऑयल एट सर्वो एट लाइफ, प्रायोजक है महिंद्रा मैक्सिमो। नमस्कार, हाजिर है पहरेदार, देश का ये एकमात्र शो है जो करता है कंज्यूमर की बात। सीएनबीसी ने ये मैटर टेक अप किया, विद इन 24 आवर्स उन्होंने एसी रिप्लेस कर दिया है। पहरेदार ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जस्टिस पक्का मिल सकता है। एक ईमेल आपको क्या भेजा कि मेरा सारा सब प्रॉब्लम आप लोगों ने सुलझा दिया। पहरेदार जी वजह से आज मुझे ब्रांड न्यू नया टीवी मिल रहा है। मैं पर्सनली थैंक कहना चाहूंगा सीएनबीसी आवाज का। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी पहरेदार। थैंक यू पहरेदार। हम पहुंचाएंगे आपकी हर शिकायतों तक जो आपकी शिकायत को अनसुना करते रहे अब तक। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स पहरेदार इन वक्त पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है और वडोदरा का हमारा सफर लगातार जारी है। ब्रेक से पहले आपने देखे यहाँ के पश्चिमी इलाके जहाँ पर काफ़ी जोर शोर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हमने आपको दिए यहाँ पर कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शंस, और अब हम आपको ले आए हैं इसके ठीक विपरीत, यानी यहाँ के पूर्वी हिस्से में। यहाँ पर भी पश्चिम की तरह काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ के कुछ इलाके मसलन हरिणी और वाघोरिया में आपको कई हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती हुई दिख जाएंगी। तो आइए एक नज़र डालते हैं वडोदरा के पूर्वी इलाकों पर। वडोदरा में चारों तरफ डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। पश्चिमी इलाकों की तरह ही यहाँ के पूर्वी इलाकों में भी इन दिनों काफी डेवलपमेंट दिख रहा है। इन इलाकों में हरिणी वाघोरिया और वाघोरिया धबोली रिंग रोड पर काफी काम चल रहा है। इन सभी इलाकों की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बेहतर हो रहा है। ईस्ट में वाघोरिया रोड है जिसको उसको लगा के दंतेश्वर विलेज है, वहाँ आजवा रोड है, वहाँ ईस्ट में जो कि जाके हालोल रोड है, ये सब जो एरियाज़ है आर डेवलपिंग वेरी फास्ट। सो दीज आर द एरियाज़ वेयर द
तो पीपल आर माइग्रेटिंग, न्यू डेवलपमेंट्स आ रहा है, अच्छे अच्छे स्कीम्स आ रहे हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स के रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल्स बड़े नामी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस एरियाज में। हरिणी और वागोरिया डबोली रोड पर तो काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके साथ साथ हलोल रोड पर काफी नई जमीन आने के चलते यहाँ भी कई नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इन इलाकों में कई नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, साथ ही यहीं पर वडोदरा का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्लान भी पास किया गया है। बड़ौदा से हलोल मतलब चापानेर जो वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, पावागढ़ टूरिज्म है, तो वो रोड पे हलोल में इंडस्ट्रीज है, हलोल के पीछे पोर्शन पे सावली गांव है, वहां को पूरा इंडस्ट्रियल हब डिक्लेयर किया हुआ है गवर्नमेंट ने। नए इलाकों में खरीदार भी नए हैं, जिनमें इन इलाकों की इंडस्ट्री में काम करने वालों के अलावा बड़े पैमाने पर अच्छी कमाई करने वाली यंग जनरेशन का रुझान देखने को भी मिल रहा है। टेक्नोक्रेट्स बहुत सारे यहाँ पे है, आईटी इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर्स ज्यादा है बड़ौदा में। सो दीज आर द इंजीनियर्स दोज हु कम आउट, जो बाहर जाते हैं, जो कमाते हैं पैसा, जो चाहते हैं कि हमारे वतन में हमारा एक दूसरा सा घर हो जाए, सो दे ऑल्सो कम बैक एंड बाय द हाउसेस। इन सब बातों के बीच वडोदरा के पूर्वी इलाकों में तेजी से रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें कई नामी प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो ये आपने देखा ईस्टर्न वडोदरा, यानी वडोदरा का पूर्वी हिस्सा, और यहाँ का किस तरह का प्रॉपर्टी मार्केट है, किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये सारी बातें आपने देखी। और आइए अब वक्त हो गया है कि हम दें आपको यहाँ पर कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शंस, बताएं किस तरह के घर आपके लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और किस प्राइस रेंज में आपको यहाँ पर घर मिल सकता है। वडोदरा के पूर्वी इलाकों में इस वक्त तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पर काना ग्रुप बना रहा है अपना प्रोजेक्ट काना हाइट्स, जहाँ पर आपको इस वक्त 2000 रुपए का भाव मिल जाएगा। इसके अलावा आप अजवा में देख सकते हैं ओम शिफ्ट डेवलपर्स का प्रोजेक्ट डव डेक, जहाँ आपको 1900 रुपए का भाव मिलेगा। हलोल रोड पर आपको मिलेगा ब्रुक फील्ड्स का प्रोजेक्ट आइलैंड, जहाँ पर आपको प्लॉट और विला दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ आपको 10 लाख की शुरुआती कीमत पर प्लॉट तो 40 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर विला मिल सकता है। इसके अलावा वागोडिया रोड पर आदित्य ग्रुप के प्रोजेक्ट आदित्य हाइट्स में भी घर देखा जा सकता है, जहाँ आपको 2000 रुपए का भाव मिल जाएगा। तो ये आपने देखे वडोदरा के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शन, साथ ही हमने जायजा लिया यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट का और किस तरह का दाम यहाँ पर आपके लिए हैं, किस तरह के घर यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं और किस तरफ जा रहा है वडोदरा का प्रॉपर्टी मार्केट, अगर बात करें इसके पूर्वी और पश्चिमी इलाकों की। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड का इस हफ्ते का सफ़र हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन वडोदरा में हमारा सफ़र अगले हफ्ते भी जारी रहेगा। लेकर चलेंगे आपको वडोदरा के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में और जायज़ा लेंगे कि किस तरह का प्रॉपर्टी मार्केट वहाँ पर है और कौन कौन से ऑप्शन आपके बजट के लिए सूट करने वाले वहाँ पर आपको मिल सकते हैं और किस तरह के घर वहाँ पर बन रहे हैं। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा बस एक हफ्ते का इंतज़ार। तो अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय आरआर काबेल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम, मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। To provide world-class wealth management services, Trade Bulls, your trust, our expertise.